पेशेंट को देख रहा हूँ, शरीर में कोई संवेदना हो रही है उसको मैं देख रहा हूँ। उसको देखते समय ये हमारा प्रश्न बन रहा है अपने में कि भाई क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मैं शरीर संवेदना के से दूरी में रहकर ये हम संवेदना को देख रहे। तो इस बात को ऑब्जर्व करना है कि जब मैं संवेदना को पढ़ रहा हूं, किसी एक खास संवेदना को, तो क्या मैं संवेदना ही हूं, क्या मैं संवेदना में हूं, क्या मैं संवेदना से दूर रहते हुए भी है ना संवेदना को पढ़ पा रहा हूं। एम आई द सेंसेशन, एम आई इन द सेंसेशन, एम आई एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसेशन। इतना पूछ रहे हैं। तो इस पर काम करना है अभी से लेकर ना सेशन पूरा होने तक, पूरा होने के बाद भी कल सुबह तक इस पर बहुत इंटेंसिव काम होने की जरूरत है। मैं कुछ बातें अपनी तरफ से कंक्लूजन में रख देता हूं को, लेकिन आप खुला रखिएगा। तो निष्कर्ष जो निकलता है वो ये है कि आई एम एट अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंसेशन, आई एम नॉट दिस सेंसेशन, आई एम नॉट इन दिस सेंसेशन, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड दिस सेंसेशन एंड दैट इज व्हाई आई हैव द चॉइस टू रीड दैट सेंसेशन और नॉट रीड दैट सेंसेशन। इफ आई वाज हार्ड वायर्ड विद दिस सेंसेशन आई हैड नो चॉइस, देन आई कैन रीड दिस सेंसेशन टेकिंग प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी right from wherever I am right and I am at a distance from this sensation that you can see when you observe this sensation in different parts of the body right you don't have to you know be the part of the sensation I can be at a distance from the sensation and treat that sensation that is important So let's look at this. Am I the sensation? क्या मैं संवेदना हूँ? क्या मैं संवेदना में हूँ? क्या मैं संवेदना से दूर रहकर संवेदना को पढ़ रहा हूँ? तो अभी देखेंगे तो शरीर के तो हर भाग में है ना, छोटे से छोटे भाग में भी कोई ना कोई संवेदना हो रही है, लेकिन मैं सभी को पढ़ता हूँ ऐसा नहीं, इसको पढ़ने का निर्णय लेता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, और ये चॉइस हमारे पास हमेशा बना हुआ। और उसके बैकग्राउंड में ये कह रहे हैं कि ये चॉइस इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम कल्पना से संवेदना के साथ जो है वो हार्ड वायर्ड कनेक्ट नहीं हो गए हैं, ऐसा नहीं कि वो ठोस हो गया है हमारा होना और संवेदना का होना। हमारे पास पूरी चॉइस रहती ही है कि हम इस समय ऑब्जर्व करें कि ना करें, इस संवेदना को करें कि ना करें। So we'll work on this step four. कल सुबह तक हम लोग इस चौथे स्टेप पर काम करेंगे। और मुझे इसमें यह कहना जो मैंने इंग्लिश के सेशन में कहा था कि इस पर कोई जल्दी कंक्लूजन ना निकालें, लेकिन ऑब्जर्व करने का काम जारी रखें। जल्दी कंक्लूजन निकालना इसलिए कठिन होगा क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत कुछ मान रखे हैं इस बात को लेकर कि मैं शरीर हूँ, और शरीर ही हूँ ऐसा मान लेता हूँ तो मुझे लगता है मैं संवेदना ही हूँ, और एक छोटी से छोटी संवेदना से भी मैं इतना दुखी हो जाता हूँ, इतना बन जाता हूँ कि खुद दुखी रहता हूँ और दूसरों को भी आसपास दुख को बांटने लगता हूँ। तो इसलिए इन बातों को ठीक से अच्छे से जांच लेना जरूरी है।
ठीक, तो इस स्टेप चार के संदर्भ में कोई प्रश्न है तो बताएं, हम लोग बात कर सकते हैं। अभी समय अपने पास पर्याप्त से आधा घंटे का समय है, तो पहले हिंदी के प्रश्न ले लेता हूँ, उसके बाद कोई अंग्रेजी के प्रश्न बच जाएंगे तो उनको लेंगे। ठीक, नितिन जी बताइए। सर मैं